नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रेसिपी फॉर ऑल में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय गर्मियां चल रही हैं और गर्मियों में शरबत किसे नहीं पसंद होता है। इस समय तरबूज भी बहुतायत में मिल रहे हैं, तो आज मैंने बनाया है तरबूज का शरबत। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल स्पून सब्जा के बीज लेंगे। एक टीस्पून लेमन जूस मैंने इसमें डाला है, आधा चम्मच पिसा हुआ शक्कर। इसमें शक्कर हमें ज़्यादा नहीं डालना है, वरना सब्जा के बीज ठीक से फूलेंगे नहीं। अब इसमें मैंने दो टेबलस्पून पानी डाला है। अच्छी तरीके से इसे मिलाकर हम इसे आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे में ही ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। मैंने आधा किलो तरबूज लेकर इसे काट लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पुदीना के पत्ते डालेंगे। मैंने इसमें 4 चम्मच शक्कर डाला है। आप शक्कर अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान देना होगा कि तरबूज ज़्यादा मीठा तो नहीं है, फिर उसी अनुपात में आप शक्कर डालिएगा। इसमें 1/4 चम्मच नमक हम डालेंगे और इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम इसे छान लेंगे। आधे घंटे के लिए यदि हम इसे छोड़ दें तो ये अपने आप छन जाता है, लेकिन अगर आप इसे तुरंत करना चाहते हैं तो चम्मच से यूँ हिला लीजिए और थोड़ा सा इसे प्रेस करते जाइए, जिससे कि यह जल्दी छन जाएगा। इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा इसे मिला लेंगे। अब हमारा ये शरबत तैयार है। इसे या तो आप बाउल में ही करके फ्रिज में ठंडा करने रख सकते हैं, या फिर जिसमें सर्व करना हो उसमें इसे डालने के बाद ठंडा कर सकते हैं। इसे मैंने पूरा नहीं भरा है, ऊपर हम थोड़ा सा खाली छोड़ेंगे जिसमें कि हम सब्जा के बीज डाल सकें। देखिए ये सब्जा के बीज कितने अच्छे से फूल कर आ गए हैं। आपको जितना पसंद हो उतना सब्जा सीड इसमें ऊपर से डाल दीजिए और हमारा ये शरबत तैयार है। इसे ठंडा सर्व करना है तो इसलिए इसे हम फ्रिज में रख देंगे और आधा घंटा के बाद यह सर्व करने के लिए तैयार है, या फिर इसमें ऊपर से आप आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये समर ड्रिंक पसंद आई होगी। आपको यह कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।